लोकमत की ओर से नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस दौरान धार्मिक सौहार्द वैश्विक चुनौती व भारत की भूमिका इस विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित थे। भारत में सर्वधर्म और पंथों के लोग युगो युगो से एक साथ रहे हैं। हमारी वैदिक संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया है। एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव हमारी संस्कृति है, लेकिन आज दुनिया में धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, खून की धाराएं बह रही हैं। यह बात समझ से परे है कि मानवता से ज्यादा धर्म क्यों और कैसे बढ़ गया है। ऐसे कठिन हालत में भारत और भारतीयता की भूमिका सर्वोपरि है। इसके चलते लोकमत की ओर से नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस दौरान धार्मिक सौहार्द वैश्विक चुनौती व भारत की भूमिका इस विषय पर चर्चा की गई। की बुद्धि अगर विपरीत रही तो इसी का उपयोग करके वो तोड़ने का काम करता है, मनुष्य धर्म को तोड़ने का औजार बनाता है और चरित्र से नीचे गिरा देता है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि परस्पर संवाद नहीं है। विश्व विविधता से भरा है, विविधता विश्व का अलंकार है, ऐसा भारत मानता है। और इसलिए रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, परंतु मूल में अंदर से हम एक ही है। इस राष्ट्र धर्म के सबसे बड़े पुरोधा हमारे नितिन गडकरी जी, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन पहुंचे इस बात के लिए कि राजनीति में रह करके सेवा सृजन और एक शिल्पकार होकर के पूरे देश में मोदी सरकार का देश के 5 लाख से अधिक गांव तक, हर कोने तक। परम आदरणीय श्री भिक्खु संघनेश सेना जी, ब्रह्म विहारी स्वामी जी, मंच पर उपस्थित माननीय विजय धरड़ा, राजेंद्र धरड़ा, समूह संपादक श्री विजय भाविस्कर और उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का यह दिन हमारे नागपुर के इतिहास का बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। इसलिए है कि विजय बाबू ने वो अक्सर अशक्य बात को शक्य करके दिखाते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हैं। और आज देश के ऐसे महानुभाव जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, ऐसे सब प्रमुख व्यक्तियों को एक मंच पर लाकर उन्होंने इस भव्य लोक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसलिए मैं हृदय से उनको और लोकमत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सामान्य अतिथि के तौर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, प्रमुख वक्ता के रूप में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, ब्रह्मा विहरदास स्वामी, कार्डिनल ओसवान ग्रेशियस, प्रहलाद वामन राव पै, भिक्खु संघसेना और हाजी सैयद सलमान चिश्ती उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।